हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मालदीव्स, और लेकिन यार सही में ये शॉर्ट ट्रिप इतनी अच्छी भी रही है, लेकिन थकान 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 बहुत रही है। हम सबसे पहले गए डायरेक्ट बिजनौर, दो दिन रुके, फिर उसके बाद हम गए दिल्ली। दिल्ली में मेरी दीदी के घर पे एक नाइट स्टे किया, फिर दो दिन शिवानी के घर पे स्टे किया, फिर एक दिन मुंबई गए, मुंबई में स्टे किया। ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, बस हर जगह ट्रैवल ही करते रहे। अबू भाई भी बेचारे इतने थक गए आज तो, इतना बस फर्स्ट टाइम ऐसा फ्लाइट रहा हमारा। और फोटो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि हम मुंबई से चले, तो मैं शिवानी को बोला जब एयरपोर्ट के मैकडी पे थे, तो मैं बोला मैंने कहा आज तुझे है ना कोई वो ज़रूर दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं एक्टर लोग बॉलीवुड के। तो सबसे पहले मुझे दिखा कबीर खान जो डायरेक्टर है, फिर तीन चार और मूवीज़ के एक्टर बैठे थे, उनके नाम इतने हमें पता नहीं। मुझे दिखा विक्की कौशल का भाई सनी कौशल, और भाई उसकी मूवी उड़दंग देखी थी मैंने, बंदा अच्छा लगा। और उस मूवी का नाम नहीं पता यार जिसमें, हाँ तो मैं भी मैकडी में था, वो भी मैकडी में था, तो मैं डायरेक्ट उसके पास गया। मैंने बोला मैंने कहा भाई आपका फैन हूँ मैं, मतलब फ़ोटो लेना चाहता हूँ। और फिर पीछे शिवानी आ गई, मैं बोला मैंने कहा हमने आपकी मालदीव में मूवी देखी थी, तो शिवानी ने बोला जिसमें आप तैर के गए थे। एकदम सीरियसली यार, इतना अच्छा बंदा कि जैसे अलग लोग रहते हैं जितने बड़े मतलब एक्टर होते हैं, वो इतनी किसी को तवज्जो नहीं देते ना मतलब। हाँ तो फिर क्या था, मैं और शिवानी की हमारी सीट थी, तो भाई वो बंदा हमारी आगे वाली सीट पे, हमारी इकोनॉमिक क्लास इसके बिल्कुल आगे बैठा हुआ वो। और फिर मतलब मैं शिवानी से बोला, नहीं शिवानी मुझे बोली कि जाकिर तुम इसकी जगह पर होते तो क्या तुम मतलब इकोनॉमी में आते। अभी मैं क्या करता हूँ, जब भी इकोनॉमी क्लास में भी आते हैं ना, तो हम सबसे आगे वाली सीट पे मतलब उसके एयरलाइंस चार्जेस मारती है 1200 रुपया डिपेंड करता है। तो मैं बोला मैंने क्या बताइए, सबसे पीछे बैठा और विंडो सीट भी नहीं मिली बेचारे को, वो था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर वो टॉयलेट गया मालदीव में, 1 घंटा रह गया था, तो मेरी सीट पे रहा, तो मैं फिर उससे बात करा, कम से कम 5-10 मिनट बात करा। भाई सीरियसली यार, बंदा फिर बोलता है कि मैं मतलब वो कैटरीना की बर्थडे है तो उसमें मतलब हम लोग आए हैं। तो शिवानी ने बोली मैंने क्या भाई आपके मतलब कि नहीं, मैं उसको बोली कि क्या कहते हैं, अच्छा इन लोग का कितना बोला था ना, मैं उसको बोली कि मैं ना आपके भाई की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो बोला थैंक यू, पर उसने बताया नहीं कि भाई भी इसी फ्लाइट में, वो बिजनेस क्लास में थे। वो बिजनेस क्लास में थे, तो हमने देखा कि वहाँ पर वो लोग अपने लगेज के लिए खड़े थे। अच्छा यहाँ पर आया वो एटीट्यूड और वो वाली बात, कैटरीना फोन में कुछ कर रही थी, वो सच में कर रही थी, नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, उसने ईमोगा का वेबसाइट खोला हुआ था, लगेज पे खड़े थे, मैं भी खड़ा था, हम लोग के जस्ट 2 या 3 स्टेप पे इनका पूरा ग्रुप खड़ा था। तो वो बोली, मैं जब उसके पास गई तो मैंने कहा क्या नहीं, तो वो खुद बोली सॉरी आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। उसके बाद हमने कहा हमारे पास 5 मिनट्स नहीं, तो सनी तो दिखा विक्की कौशल, तो नहीं मैंने सनी कौशल खड़ा था मेरे पास में, मैं बोला मैंने कहा सनी भाई मुझे भाई के साथ मतलब फोटो लेना, बोलता जा ना ले बात कर। फिर मैं गया उसके पास विक्की कौशल के पास, मैंने बोला मैंने कहा भाई मेरी वाइफ तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, हाँ हाँ आना ऐसे करके अपना बोला कि आपका क्या नाम, आपका नाम क्या है। 2-3 अच्छे खासे हमने फोटो लिए, और फिर उसके बाद मिली मेरे को अंजलि अरोड़ा, वो लॉकअप सीजन लॉकअप सीजन नहीं, ये इमिग्रेशन में थी, मैं हम निकल गया, तो ये लोग यहाँ पर इसकी कैटरीना कैफ की बर्थडे भी है, मुझे लग रहा है कि कुछ शूट भी है इनका, तो इसी मतलब हम फोटो शूट किए उसके साथ, फोटो वोटो लिया हमने। बहरहाल यार सीरियसली विक्की कौशल और ये सनी कौशल बहुत बहुत डाउन टू अर्थ बंदे भाई सीरियसली, क्योंकि बहुत से जैसे हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा है जॉन अब्राहम ऐसे धक्का दे दिया, या फिर हाँ हाँ कबीर खान डायरेक्टर था, वो एक लड़की उसके पास गई, शायद वो मैरिड कपल थे मालदीव आ रहे थे, हाथ दिखाया, देख
तो डर थोड़ा मुझे भी हो रहा था, लेकिन यार भाई मेरा फेवरेट एक्टर है। पर हम तो कबीर खान के पास, हम उनके पास गए भी नहीं मेरे ख्याल से उस तरीके से, और वो चिल्ला होगा हां देखो। पर एक वो ये बहुत एक हीरोइन और तीन चार को एक्ट्रेस छोटे वाले जितना हमें पता नहीं है, क्योंकि बट उनको बहुत एक और था मेरे साइड में, हां एक मेरे साइड में जो बैठा था, तो मैं बैंग बैंग में है, तो मैं उससे पूछा इनके भाई मैंने आपको देखा है लेकिन पता नहीं कौन सी मतलब मूवी में, बोलते हैं कि नहीं अभी जो अपकमिंग मूवीज आ रही है ना तो मेरा नाम पहचान जाओगे। उसका नाम माइकल करके था और सर्च किया मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जा रहे हैं अपने आईपैड में ना। और ये बताओ यार उनकी स्क्रिप्ट अब मालूम नहीं उनकी कौन सी मूवी का वो है जिसमें उसमें रोनी जग्गी जैसे नाम था जग्गा जोगी सॉरी यार। तो भाई ऐसे ही अभी बस आगे मेरी 25th से ऑफिस स्टार्ट है, शिवानी का कल से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, कल ये नहीं जाएगी। बहुत तबीयत खराब, हालत खराब हो रही है, इसके पापा आए उनकी तो तबीयत खराब हो चुकी है, ठंडी वंडी लग गई है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी आराम करना है, बाय बाय।